याद है ना सबको, पूरा इंडिया हिलता है, संसद में कानून बनता है, कानून चेंज हो जाता है। और अभी 2 महीने पहले लखनऊ में एक पुलिस के जवान की गोली से एक नौजवान मरता है, याद होगा, वो भी पूरा देश हिलता है, पूरे देश की खबर बनती है। उससे 1 महीना पहले ग्रेटर नोएडा दादरी में एक जिम ट्रेनर यादव लड़का पुलिस ने अधमरा कर दिया, जो आज भी कोमा में है, आज भी चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। ये अंतर है दोस्तों, ये अंतर है साथियों, शासक जमात का। आप समझ गए होंगे कि नहीं हत्याकांड, नहीं बैजेब कांड, एक इस देश की शासक वर्ग, शासक जमात की कुटिया थी या बिटिया थी। हमें भी दुख है, लेकिन क्या उसके बाद रेप बंद हो गए इस देश में? बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, क्या फर्क था निर्भया रेप कांड में और दूसरे रेप कांड में? क्योंकि वो लड़की इस देश की शासक वर्ग जाति की लड़की थी। वो जाति, वो जमात आपको बनना है इस एलडीएफ के तत्वाधान में। जो शासक जमात, शासक वर्ग है, उस पर अत्याचार नहीं होते, उसे मांगना नहीं पड़ता भीख। वो अधिकार दूसरों को देता है, वो हक दूसरों को देता है, वो दूसरे उनसे मांगते हैं। हमें इस एलडीएफ के बैनर तले वो शासक जमात बनना है इस देश की। एक लड़का अभी इनकाउंटर हुआ लखनऊ में, क्या क्या मिला उसकी बीबी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और फर्जी फेक इनकाउंटर कितने हो जाते समाज के साथ। 237 लड़के आपके सहारनपुर में छांट छांट के, जो 12th और अबव एजुकेटेड थे, बंद किए गए, खत्म किए गए। तो साथियों, बहुत वक्ता है, समय का भाव है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस फर्क को समझिए आप कि शासक वर्ग क्या होता है, शासक जमात क्या होती है, और आपको वही शासक वर्ग, वही शासक जमात बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम।